गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर आज एक बेहद ही दुखद घटना घटी है। नारमल स्थित अंध विद्यालय के कुछ विद्यार्थी यहां पर अपनी मांग को लेकर करके जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। मांग थी कि उनको भोजन सही नहीं मिल रहा है एवं एक शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनका ट्रांसफ़र को रद्द किया जाए। मगर यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना हो गई। जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर जब वो यहाँ पर आए तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान यहाँ पर हमारा एक रिपोर्टर हैं देवरिया टाइम्स के, उन्होंने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद की। कैद करने के उपरांत जब यहाँ पर आला अधिकारी को की नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो उसका कैमरा छीन लिया और उसको डिटेन करने की कोशिश की और उसको खींच कर करके कार्यालय के अंदर ले आए और वहाँ पर अधिकारियों के सामने उसके साथ मारपीट की गई। आइए हम दिखाते हैं क्या कुछ फुटेज के अंदर दिखा है जिसके लिए बवाल हुआ है। ये गोरखपुर में मैं हूँ और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा। मैं मीडिया से हूँ और ये देखिए पूरा बच्चों का क्या डिसीजन, क्या हुआ। नहीं बनाया हो गया है, नहीं बना है। फोन निकाल, फोन निकाल, निकाल ना, दिखा निकाल, दिखा रहा हूँ। अरे अभी शुरू कर, विजुअल में और वॉइस में आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से उसको रोकने की कोशिश किया गया, उसका मोबाइल को छीनने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो ब्लैंक हो गया। लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही थी और आखिर में जब मोबाइल अधिकारियों के हाथ में गया तो उसको लेकर करके ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद उसको फॉर्मेट किया गया। हमने उस पत्रकार साथी से बात की कि क्या कुछ हुआ था। आइए हम उनका वर्णन भी सुनाते हैं कि क्या कुछ उनके साथ घटना घटी है। ये बड़ा दुखद ही विषय है कि एक पत्रकार के साथ मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह की घटनाएं हो रही है। आइए हम उस देवरिया टाइम्स के पत्रकार को सुनते हैं क्या कुछ उसने कहा। क्या घटना हुई थी, क्या मामला था? मैं गोरखपुर आया था, सोचा कि पत्रकार साथी से मिलते हुए, फिर देवरिया निकल रहा था तो यहाँ पे जो कार्यालय है मजिस्ट्रेट कार्यालय, यहाँ पे कुछ दिव्यांग बच्चे, यहाँ मैं जैसे गाड़ी खड़ा किया निकलते हुए आए और गिर रहे थे सारे बच्चे, सब दिव्यांग थे। फिर मैंने देखा तो अंदर से उनको लाठियों से पीटा जा रहा था। उसके बाद अधिकारी बाहर भी आए और उस चीज़ को गए कि आप कौन, तो मैंने कार्ड भी दिखाया अपना और कहा अरे मीडिया सर क्या ऐसी मामला है कि बच्चों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आइए। उसके बाद गेट बंद हो गया, उन्होंने मोबाइल लिया, फॉर्मेट कराई, सारी चीज़ कराई, उसमें सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। ये अब जाँच का विषय है कि बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएँ क्यों की गई और यहाँ दिव्यांग बच्चे जिस तरह से आए थे, मीटिंग चल रही थी, उनको मारा गया है। अंदर शीशा उसा भी सारी चीज़ें फोड़ी गई है और यहाँ तक कि मुझसे अप्लीकेशन भी लिखवाया गया है कि आपको बच्चों ने मारा है, जबकि बच्चे तो खुद दिव्यांग थे, आँख से किसी की दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ अलग मीटिंग हो रही थी, सारे प्रशासनिक अफसर मौजूद थे, लेकिन अंदर के बाद जिस तरह बाहर यहाँ पे भगदड़ मची, आप इस राहगीरों से भी आसपास के कैमरों से भी पता किया सकता है कि यहाँ पे बच्चों ने क्यों हुड़दंगई किया था। अब मीडिया जुड़े नाते मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई अचानक बच्चे गिरने कैसे लगे, मारा क्यों जा रहा है, तो मैंने उसको शूट किया। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल वगैरह सारा फॉर्मेट कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई में जांच का विषय है कि ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ कि आप किसी ने मारा नहीं है और किसी ने मोबाइल फॉर्मेट नहीं कराया है और अधिकारी तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो भीड़ के हिस्से में बच्चों ने बात की है। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कर्मा है, मैं देवरिया टाइम्स चलाता हूँ।